हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006। और ये टॉपिक सीएफएसओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सीएफएसओ के सिलेबस में पहला टॉपिक है जो फूड लॉस के अंदर ये दिया गया है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एफएसएसएआई का बैकग्राउंड, फिर FSSAI Act 2006 के सैलिएंट फीचर्स और उसके पार्ट्स और सेक्शन के बारे में मैं बात करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के प्रोविजंस, डेफिनेशंस और डिफरेंट चैप्टर और सेक्शन को जानने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसका रीजंस पता होना चाहिए कि आखिर ये स्टार्ट क्यों किया गया था। तो सबसे पहले इसका रीजन ये था कि 2006 से पहले इंडिया में बहुत सारे फूड लॉज थे और उन फूड लॉज को हैंडल करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, एजेंसीज थी, जो कि अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फूड सेक्टर्स में वो स्टैंडर्ड सेट किया करते थे। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी फूड लॉज में। ये एक पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन इसका ये था कि उस समय 2006 से पहले जितने भी मतलब इवेल्युएशन होते थे, फूड इवेल्युएशन होते थे, तो उसको हैंडल करने के लिए फूड लॉज नहीं थे। तो जिस कारण जो उस समय फूड टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरी थी वो काफी कम थे, फ्यू लेबोरेटरी थी विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कारण जो इंफॉर्मेशन जो थी वो कंज्यूमर लेवल पे सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये हो गया एक सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन इसका ये था कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको 2002 बजट स्पीच में ये एक महसूस हुआ कि एक नेशनल लेवल पे एक सिंगल लॉ होना चाहिए जो सारे फूड लॉज को, फूड की सेफ्टी को इंश्योर करे और उनको कंट्रोल कर सके। मीन्स एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा रीजन। तो मेनली यही तीनों रीजन थे जिसकी वजह से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो फाइनली इन सारे फूड लॉस को कंबाइन करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ये काम सौंपा गया। तो इस कारण 23 अगस्त 2006 को प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट साइन किया और 24 अगस्त को गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड सेक्शन 1 में ये पब्लिश किया गया। तो इस तरह से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो था वो इनेक्ट हुआ। तो फाइनली एफएसएस एक्ट जो था वो बहुत सारे कंसल्टेशंस के बाद ये बना था और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एफएसएस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये थे इसके बैकग्राउंड एफएसएस एक्ट के स्टार्ट होने का। तो एफएसएस एक्ट से पहले जो जितने भी लॉज थे वो कौन कौन से ऐसे लॉज थे जो एफएसएस एक्ट के अंदर डाले गए? तो वो लॉज हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मिल एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो ये सारे जो लॉज हैं वो 2006 के अंडर डाले गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैलियंट फीचर्स ऑफ द एफएसएसए एक्ट 2006। तो बेसिकली जो इसका फीचर है एफएसएसए एक्ट 2006 का वो रीजंस ही है जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा जो पहला फीचर है वो ये है कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम अ मल्टी लेवल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें पहले जो बहुत सारे मल्टी लेवल था कंट्रोल करने का, वो एक अब एक ही कोई लॉ जो है पूरा कंट्रोल कर रहा है ये। तो इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट ऑफ जो फूड था उसका सही ढंग से रेगुलेशन होने लग गया। और जब इनका सही ढंग से रेगुलेशन होने लग गया तो इसीलिए सेफ फूड को प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो गया फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। देन इसका जो एक नेक्स्ट फीचर है वो ये कि एफएसएसएआई अब एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है सारे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, रिलेट करने के लिए, जो कि फूड की सेफ्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो ये है कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में ही एक्सटेंड होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं। तो इसकी वजह से जो लाइसेंसिंग और जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो गई अक्रॉस द कंट्री एंड द स्टेट।
और साथ ही साथ जो बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, नोवल फूड्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड था वो अब एक ही था, वो था FSSAI 2006, मीन्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये थे इसके सैलियंट फीचर्स। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ FSSAI 2006, मीन्स FSSAI 2006 के कौन कौन से पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं। तो बेसिकली जो FSS एक्ट के जो पार्ट्स हैं वो 12 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड हैं और टोटल 101 सेक्शंस हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के डिवीजन पे ही चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक ऑन दीज सेक्शंस, क्योंकि कई बार सेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक के बारे में बात किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो इसमें से जो पहला चैप्टर है वो है प्रीलिमिनरी चैप्टर। तो प्रीलिमिनरी में इसमें ये सेक्शन 1 से 3 तक कंप्राइज किया गया है। और पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इट मीन्स जो FSS एक्ट है इसका ये एब्रिएटेड फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 का। और एक्सटेंड मीन्स ये जो एक्ट है ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक्सटेंड हुआ है, मतलब ये लागू होगा। और कमेंसमेंट का मतलब है कि ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, ये कब से लागू करना है और कहाँ कहाँ लागू करना है। तो ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 है डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन, कि इट मीन्स जो जितने भी फूड इंडस्ट्री से रूल्स रेगुलेशंस है, जो लॉज है, वो अब यूनियन कंट्रोल करेगा, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये कंट्रोल करेगा। तो ये सेक्शन 2 में ये डिक्लेयर किया गया है। देन सेक्शन 3 है डेफिनेशंस। तो जितने भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जो इस एक्ट में यूज किए गए हैं वो सारे जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 3 में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि एडल्ट्रेंट एक टर्म हो गया, तो ये इस टर्म के जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। चैप्टर 2 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसमें सेक्शन 4 से सेक्शन 17 तक लिया गया है। सेक्शन 4 जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मीन्स जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI है उसका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि जो इसका हेड ऑफिस है वो दिल्ली में होना चाहिए और बाकी जो इसके रीजनल ऑफिसेस हैं वो बाकी किसी भी प्लेस पे हो सकता है एज पर द नीड। तो इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दे रखा है सेक्शन 4 में। देन सेक्शन 5 है कॉम्पोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, मीन्स जो फूड अथॉरिटी है उसके क्या कॉम्पोजिशन होने चाहिए। तो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें 22 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, तो कुल मिला के 23 मेंबर्स होते हैं। और बाकी और भी डिटेल में दे रखे हैं कि कौन कौन से मेंबर इसमें हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। और उसके बाद है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन 5 में दिया गया है। देन सेक्शन 6 है सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। तो जो कमिटी होगी जो चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी, उस कमिटी को कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 6 में दिया गया है। देन उसके बाद है सेक्शन 7 टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। तो इसमें जनरली टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस, ये सब जो चेयरपर्सन और मेंबर्स को जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो जनरली टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब है कि जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स है उनको 3 साल के लिए ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी अलाउंस और सैलरी वगैरह दी जाती है वो सब इसमें दिया गया है। देन सेक्शन 8 है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी का किस कंडीशन में रिमूवल हो सकता है, कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जिनमें उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 8 में दिया गया है। देन सेक्शन 9 है ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी, मीन्स इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो बाकी जो ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज है वो कौन कौन से है, और बाकी सब ऑफिसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसमें होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है चैप्टर 2 का, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी ये सारी चीजें। देन सेक्शन 10 है फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के क्या फंक्शंस हो सकते हैं सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 11 सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, मीन्स सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं।
तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो फूड अथॉरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसमें जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है फूड अथॉरिटी का, उसका एक ये फंक्शंस हो सकता है। देन उसके बाद जितने भी वर्क प्रोग्राम्स है, जो डिसीजंस है जो फूड अथॉरिटी अडॉप्ट करता है, वो इसका काम होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का ही। तो और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस दिए गए हैं सेक्शन 12 में। देन सेक्शन 13 है साइंटिफिक पैनल्स। तो साइंटिफिक पैनल्स में ऐसा होता है कि जो फूड अथॉरिटी है एक साइंटिफिक पैनल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली वो अपना वर्क कर सकते हैं। और जो साइंटिफिक पैनल का जो रोल होता है वो यही है कि वो रेलेवेंट इंडस्ट्री को इन्वाइट करता है और कंज्यूमर रिप्रेजेंटेट, मतलब कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है साइंटिफिक पैनल का, ये रेलेवेंट इंडस्ट्री को इन्वाइट करता है ये। और जो फूड अथॉरिटी होता है वो जितना मर्जी उतना वो साइंटिफिक पैनल्स को वो कंसिडर कर सकता है, मीन्स इस्टेब्लिश कर सकता है वो। तो ये फूड अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितनी भी साइंटिफिक पैनल्स को इस्टेब्लिश कर सकता है। देन है सेक्शन 14, जिसमें साइंटिफिक कमिटी, फूड अथॉरिटी होती है वो एक साइंटिफिक कमिटी बनाती है, और इस कमिटी में चेयरपर्सन होते हैं जो कि साइंटिफिक पैनल्स के लिए होते हैं, मतलब साइंटिफिक पैनल्स के इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसमें जनरली इसका कॉम्पोजिशन, इसका फॉर्मेशन बता रखा है। बेसिकली साइंटिफिक पैनल का जो रोल है वो ये है कि ओपिनियन प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी साइंटिफिक पैनल्स में कोई अगर इशू नहीं फॉल करता है तो जो वो साइंटिफिक कमिटी ही है जो कि ये ओपिनियन प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा। देन सेक्शन 15 है प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल, मीन्स साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल के बनाने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो सेक्शन 15 में दी गई हैं। देन सेक्शन 16 है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, इनकी फूड अथॉरिटी के कौन कौन से ड्यूटीज हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। देन सेक्शन 17 है प्रोसीडिंग्स ऑफ फूड अथॉरिटी, मीन्स फूड अथॉरिटी को कैसे जारी रखा जाए, कैसे चलाया जाए, वो सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन 17 में दी गई है। चैप्टर 3 है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी, और इसमें सिर्फ सेक्शन 18 को लिया गया है। तो सेक्शन 18 है जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, मीन्स जब FSS एक्ट को जब बनाया जा रहा था तो उसमें कौन कौन से जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो फॉलो होने चाहिए, जब इस एक्ट को लागू किया जाए तो क्या क्या जो ऐसे प्रिंसिपल्स है वो फॉलो होने चाहिए, वो इसमें दिया गया है। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, और जो भी फेयर प्रैक्टिसेस है जो कि फूड ट्रेड में करने में, फूड स्टैंडर्ड्स इन सबको लागू करने में जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो सारे फॉलो होने चाहिए। देन चैप्टर 4 है जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड, और इसमें सेक्शन 19 से 24 तक लिया गया है। तो इसमें सेक्शन 19 है यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। तो इसमें ये दिया गया है कि जो कोई भी फूड एडिटिव्स है वो कौन कौन से फूड एडिटिव है वो फूड में यूज होने चाहिए, और अगर इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है तो वो नहीं यूज करते हैं। मीन्स जनरली इसमें ये बोला गया है कि नो आर्टिकल्स ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव्स अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब कि जब तक एक्ट में ना प्रोवाइड किया गया हो इंफॉर्मेशन और कितना अमाउंट यूज होना चाहिए तब तक वो फूड में यूज नहीं करना है। तो ये सेक्शन 19 हो गया। देन सेक्शन 20 है कंटामिनेंट्स, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स एंड एसेट्रा, मीन्स जो भी ये चीजें हैवी मेटल्स और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो फूड में जनरली यूज किए जाते हैं उन सब से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सेक्शन 21 है पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग्स रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एंड माइक्रोबियल काउंट्स। तो इसमें जो भी ड्रग्स वगैरह एंटीबायोटिक रेसिड्यूज यूज किए जाते हैं वो सब इसमें दिया गया है कि किस किस अमाउंट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं फूड में और कितना ये हानिकारक हो सकता है, मीन्स जो फूड है उसमें कुछ ना कुछ हद तक ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो एक ऐसा लिमिट होता है, उस लिमिट के ऊपर अगर वो चीजें प्रेजेंट है तो वो पनिशेबल होगा। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इन सारे सेक्शंस में ही दी गई है कि किस लिमिट तक कौन सी चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। देन सेक्शन 22 है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, फंक्शनल फूड्स और प्रोप्रायोरिटरी फूड्स एंड एसेट्रा। नेक्स्ट सेक्शन है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड, मीन्स फूड को पैक करने में और उस पर क्या लेबलिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब सेक्शन 23 में दी गई है। देन सेक्शन 24 है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
इट मीन्स कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जो कि मिसलीड करे। मीन्स पैकेट पे कुछ और लेबल किया गया है और एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिया गया है। तो जनरली ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस एक्ट के अंदर मना है और पनिशेबल भी है, जो कि मिसलीड करे कंज्यूमर्स को। उसके बाद है चैप्टर 5, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, और इसमें सिर्फ सेक्शन 25 को लिया गया है। तो जितने भी फूड मटेरियल जो है वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सब से जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो दिए गए हैं वो सारे सेक्शन 25 में दिए गए हैं। मीन्स कौन कौन से जो फूड आर्टिकल्स है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सब इसमें दिए गए हैं। उसके बाद है चैप्टर 6, स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी, और इसमें सेक्शन 26 से 28 तक लिया गया है। सेक्शन 26 है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी जो फूड बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्री जो है, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी सेक्शन 26 में दिया गया है। सेक्शन 27, लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर्स, यानी इन सब की क्या क्या जिम्मेदारी है वो सब सेक्शन 27 में दिया गया है। देन सेक्शन 28 है फूड रिकॉल प्रोसीजर्स। कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में कोई फूड अगर उतर गया है, तो अगर ये पाया जा रहा है कि उसमें कुछ कंटामिनेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको वापस रिकॉल करना यानी मार्केट से उन फूड को उठाना, उठाने की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी जो इंफॉर्मेशन है इसमें सेक्शन 28 में दिया गया है।